यार मैं इसे कैसे हटा, मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी है, मेरे पास बकेट से यूज कर रहा हूँ, मुझे सही में नहीं पता मैं क्या करूँ। ये चीज सही में मुझे बहुत परेशान कर रही है, ये वॉटर बॉल में कैसे हटाओ गाइस, प्लीज मुझे बताना गाइस। हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू द गेमिंग वीडियो गाइस। इतना सब कुछ कहने के बाद भाई माइनक्राफ्ट खेल आ चुकी है माइनक्राफ्ट की वीडियो। तो गाइस चलते अपने गेम प्ले की तरफ बिना किसी रुकावट के। पहला दिन मैं माइनक्राफ्ट में पहली भी गेम थोड़ी सी ट्राई कर चुका, मैंने सेव करा था, देखते हम कहां तक मैंने सेव किया था और मैं कहां पे स्पॉन हूंगा। अरे स्पॉन होती मर गया गाइस, मुझे पता नहीं है इसमें क्या करना है, शायद से इस बार हम इसे सरवाइव कर जाए। अरे अरे कौन आ गए ये दो घटिया सी शक्ल के ज़ॉम्बीज़ है, शायद से ज़ॉम्बीज़ है। अरे यार कहाँ जाऊँ, ना मैंने घर बनाया, खुदाई भी मुझे पता नहीं ठीक से करनी आती नहीं, मेरा मूवमेंट भी सही नहीं है, कहाँ से जाऊँ यार, कैसे आ रहा है यार ये पहला दिन। मार देंगे भाई ने, मारने की कोशिश करता हूँ, यार तीनों तो ऐसे ही पड़ गए पीछे मैं, जैसे मैं हड्डी होती तीन कुत्ते। अरे यार कहाँ जाऊँ मैं, क्यों कहाँ जाऊँ, ओह यार हेल्थ गई 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 गई, पानी में देखो पानी में, शायद से हट जा मुर्गी यहाँ से, तेरा तंदूरी बना दूंगा, हट जा यहाँ से चल। कहाँ जाऊँ, कोई जगह है भी यहाँ पे पानी में कूदने से क्या हम बच जाएंगे गाइस, पता नहीं मुझे, एक बार ट्राई करके देखेंगे। अरे यार ये तो मार देगा मुझे, ये रहा पानी पानी पानी, अरे कूद जा। ये जीव कहीं मुझे मार ना दे, कैसे धनुष ले खड़ा है हाथों में, अबे क्या होगा, मैं खेलूंगा ही नहीं अगर ये गेम। अरे गाइस इस बार हम इसे आराम से सर्वाइव कर लेंगे, आराम से निकल जाएंगे, आराम से अपना रात सर्वाइव कर लेंगे। पानी में मैं छेद कर रहा हूँ, मैं नीचे जाने की कोशिश करता हूँ, आराम से सर्वाइव कर लेंगे और कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। A few moments later. क्या कर रहे हैं ये, अरे फ्लैश कहाँ से आया मेरे हाथ में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, कब क्या चीज कौन सी हाथ में आ रही है। लो तुम दोनों, लो सालो मुझे मारोगे ना, लो दोनों पिटो। अरे नहीं ढांचा भाई माफ कर दो ढांचा भाई, अरे जा रहा हूँ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने क्रिएटिव मोड में, मैं बनाने जा रहा हूँ एक आलिशान सा मेंशन जिसे देखने बहुत मजा आएगा। जमींदार से मैंने जमीन खरीद ली है, पूरे पेपर साइन हो चुके हैं और मेरे पास मजदूर भी नहीं है, कैसे बनाऊं मैं, मुझे खुद ही काम करना पड़ रहा है, मिस्त्री का जो भी है सब मैं खुद ही देख रहा हूँ। मैं फटाफट बनाने जा रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा तेजी से बनाऊंगा ताकि आप थोड़ा सा बोर ना हो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बनने। तो गाइस बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ये जो बना रहा हूँ, सबसे पहले बना रहा हूँ बाउंड्री, ताकि जिसमें मेरा घर खड़ा हो, मेरा बेहतरीन सा घर खड़ा हो। इसे बनाने में भाई साहब मुझे बहुत टाइम लग जाता है यार गाइस, ये देख रहा हूँ अभी क्रिस्टल क्लियर वाले बॉक्स, मतलब जो भी है ये मैंने इन सबको यूज़ किया है ताकि वो वहाँ पर मैं अपना स्विमिंग पूल बनाऊँगा। और जो स्नो है, एक्चुअली मुझे स्नो की जगह व्हाइट कॉन्क्रीट यूज़ करना था, गलती से मैं कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, मैंने गलती से स्नो पे टैप कर दिया, मैंने पूरा घर व्हाइट कॉन्क्रीट की जगह स्नो पे बना दिया, तो ये एक तरीके से स्नो हाउस हो गया। तो गाइज यहाँ पे मेरी एक लेयर कंप्लीट हो चुकी है, तो गाइज एक लेयर कंप्लीट, अब मैं इस पर फिर से दो तीन लेयर और चढ़ाऊंगा ताकि मेरे घर को एक हाइट मिले और मैं ताकि अपनी ऊंचाई से घर को देख पाऊँ। यहाँ पे मैंने अपना एंट्रेंस बना दिया, मैं उन सब पे अपने एक एक लेयर चढ़ाता जाऊँगा और बहुत ही मजा आता है गाइज ये सब करने में, टाइम मेरा बहुत ज़्यादा जाता है, इसे मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया कर। तो गाइस प्लीज़ देखना, आपको ये घर एंड में जाते जाते इतना सुंदर हो जाता है, इतना अच्छा लगता है यार, बेहतरीन एकदम। तो गाइस ये सब करने के बाद मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि अब मुझे थोड़ी स्पेस बनानी चाहिए अपने उसके लिए, ताकि मैं अपने एक स्टोर रूम, बेडरूम, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम सब के लिए मैं थोड़ी थोड़ी स्पेस बनाऊँ। उसके लिए मैंने अपने लिए बॉर्डर मैंने बनाना चालू करा, ताकि मुझे लेफ्ट साइड पर मुझे थोड़ा डेकोरेशन करना होता है यहाँ पे गार्डन के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है वो चीज़, यहाँ पे मैं अपने गार्डन को डेकोरेट करूँगा, छोटा सा गार्डन जहाँ पे मतलब लाइनिंग के लिए जो बिल्कुल ही परफेक्ट लगता है। और
या फिर मैं चालू करता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर फिर से मैं लेयर बनाना चालू करता हूँ। ऑफकोर्स हाइट चाहिए भाई, बराबर हाइट होगी तभी तो घर बनेगा, ये ऐसा तो यार ढह जाएगा। अगर ऊपर से एक गलती मैंने कर दी थी, पहले व्हाइट कॉन्क्रीट की जगह मैंने स्नो यूज कर लिया, तो मुझे डर था पता नहीं क्या होगा कि मैं पहली बार गेम खेला और मैं थोड़ा क्रिएटिव मोड में थोड़ी सी मैंने मदद ली, थोड़ा सा मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखा है और मैंने सबको देख के मैंने इस दिमाग में कि मैं ये घर बनाऊंगा, ये अपनी क्रिएटिव मोड के लिए पहली चीज सबसे बढ़िया यही रहेगी। इसके साथ साथ ये घर के साथ साथ मैं पूरी यहाँ पे एक सिटी और पूरा शहर बना दूंगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मैं एक एक लेयर और चढ़ाता ही जा रहा हूँ, मैं चढ़ाता ही जा रहा हूँ और ये सब मुझे करने में सही में बहुत ही मजा आया था। अंदर ऊपर कहीं चढ़ूंगा मैं घर में, तो ऑफकोर्स मैंने यहाँ पे स्लैब डाला, सीढ़ियों की मदद से मैं यहाँ पे ऊपर जाऊंगा। और ये मुझे थोड़ा लग रहा था कि मैं यहाँ पे वुडन लगा दूं, लेकिन मैंने सोचा कि यार थोड़ा मैं मतलब यही ठीक है यार, तो मैंने इसको बनाने में यार मेरा तो यार दिमाग ही खराब हो गया था, मैं करते जा रहा हूँ सही में यार बहुत मेहनत लगी है इस घर को। मैं माइनक्राफ्ट को मैंने एक बहुत ईजी गेम समझा था कि फटाफट हम यहाँ पे माइनिंग करेंगे, फटाफट बनाएंगे, लेकिन ये सही में एक बहुत ही हार्ड है। स्लैब से हमने अपनी सीढ़ी बना लिया, मुझे फटाफट देखना आगे मैं क्या करूं, मैं इसे कवर करे तो फटाफट सीढ़ी को मैं यहाँ पे ढक देता हूँ ताकि यहाँ पे एक अच्छा सा व्यू आए। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे फ्लोरिंग, जो मैं करूंगा पूरी अपनी वुडिंग फ्लोरिंग, तो मैं सबको हटा देता हूँ, घास वास जो भी है हट हट चाले ये पता नहीं हटाते था, मेरा दिमाग खराब होता है, फटाफट यहाँ पे करता हूँ मैं बीच में, मुझे पता सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं इसे फटाफट करते हैं मैं, लेकिन फटाफट करते जा रहा हूँ, बनाते जा रहा हूँ, भरते जा रहा हूँ। और मेरी वुडन फ्लोरिंग सही में यार बहुत ही मजा आता है यार, असली में ऐसा करो कितना मजा आएगा, होएगा यार सबका होगा एक दिन ऐसा। और ये मैं सब कुछ डालता हूँ यार, इससे ही बस इसी वुडन फ्लोर को बनाने में मेरा इतना टाइम जाता है, मैं समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। स्विमिंग पूल मेरा बन चुका है, वो मैं बन दिखा दूँ, अब मैं इसे कवर कर देता हूँ ताकि मेरी उसके ऊपर छत बन जाए और मैं यहाँ पे अपना लिविंग रूम और ड्राइंग रूम ऊपर एक और फ्लोर पर बना सकूँ। फटाफट मैंने इसे ढक दिया, अब देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ अब धीरे धीरे मैं यहाँ पे एक वो बना रहा हूँ दरवाजा, ताकि ऑफकोर्स अंदर आने के लिए क्या ऐसा हूँ उड़ के थोड़ी ना हुआ, ये छत भी तो होनी चाहिए एक, तो छत के लिए फटाफट मैं यहाँ पे वो करता। अब मैं यहाँ पे एक दरवाजे के लिए मैं यहाँ पे ओक डोर मैंने यूज कर लिया है और ग्रे को हम यहाँ पे यूज करेंगे ताकि ये थोड़ा सा लुक दे। मैं स्नो भी यूज कर सकता लेकिन यार मुझे थोड़ा कलर भी डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे। ये मेरी मैंने ग्लास यूज कर लिया है वो रेलिंग के लिए, और रेलिंग नहीं ये मेरा शीशा है जो मैं घर को ढकूंगा यार। ये सही में घर धीरे धीरे इतना सुंदर बनता जाता है ना, मुझे सही में इतना मजा आता है सब बात में। बनाते समय तो मैं सही में पूरा पक गया था, मैं पता नहीं कब खत्म होगा, मैं तो ये सोच के परेशान हो गया था मैं, लेकिन जैसे धीरे धीरे बना रहा था मुझे मजा आ रहा था। सुअर वूअर में इधर उधर घूम रहे थे, घूमे जा रहे कुछ पता नहीं चला। मैं यहाँ पे फ्लोर एक और लेयर बना रहा था कि ये यहाँ पे शीशे वीशे होंगे और ये मैं अच्छी तरह ढकूंगा, मजा आएगा यार गाइस जब इस घर में बाद में रहेंगे और क्या क्या करेंगे। ये बीच बीच में पता नहीं मेरा हाथ कहीं भी प्रेस हो जाता था, तो वो उसकी वजह से वो कहीं भी वो ब्लॉक में वो छेद हो जाता था, इसकी वजह से अब मैं यहाँ पे पूरे एक शीशे के यहाँ पे वो बना दूंगा मैं, वो भी काफी अच्छा लगता है मुझे व्यू के लिए यार। ऑफकोर्स अपनी क्रिएटिव है, कोई कुछ भी करे यार हम। और ये देखिए अब कैसे कैसे बनता जा रहा है, मैं ये थोड़े मुझे प्रॉब्लम होती है मैं प्रेस कर देता और वो कहीं भी ब्लॉक प्रेस हो जाता। गाइस ये थोड़ा मेरा आप लुक देख सकते हैं मेरा कैसा लगेगा, घर बनता जा रहा है धीरे धीरे, आपको सही में बहुत ही मजा आएगा इस घर को देखने में बाद में। और यहाँ पे मैं साइड में हर जगह मैं सोचता हूँ कि ये पूरा कवर हो जाए ताकि अच्छा सा व्यू आए। और ये मैंने बना चुका है चारों दीवारी मैंने बना चुकी है, अब मैं इसे अच्छी तरह यहाँ पे भी शीशा मैं लगा देता हूँ। मैं सोचता हूँ यहाँ पे भी एक दरवाजा लगा दूँ, पर मुझे लगा वो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैंने लगा दिया ताकि यहाँ से मैं एंट्री कर सके। बाद में घूम के आने में क्या प्रॉब्लम है, स्विमिंग पूल में जाना सीधे दरवाजा खोला और सीधा कूदो फटाफट अंदर, और क्या चाहिए। 2000 years later गाइस इतना घर बन गया, बहुत मेहनत से बनाया, यहाँ पे पूरे 5 घंटे लगे हैं मुझे, बिना रुके बिना ब्रेक लिए मैंने घर बनाया। अब मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी यहाँ पे साइड में मैं नीचे अपना थोड़ा सा गार्डन के लिए स्पेस मैंने बनाया। अरे ये पानी कहाँ से गिर गया यार, चलो इसको हम बाद में देखेंगे, मैं इसे पता नहीं कर नहीं पाया मैं इसका क्या करूं। और मैं ये देखते मैंने यहाँ पे दरवाजे पे और बहुत ही मेहनत से मैंने यह करा, मैंने इसे बहुत कोशिश करी पानी का रोकने, मैं पानी का नहीं रोक पाया। अब मैं यहाँ पे थोड़े घर को अपना डिजाइन दे रहा हूँ ताकि वो लुक में थोड़ा अच्छा लगे, यहाँ पे हम थोड़ा गार्डन में वो रखेंगे। और मैं यहाँ पे थोड़ा ब्लॉक से मैं यहाँ पे भी हल्का सा गार्डन वार्डन सब रखेंगे, लेकिन शायद से मैं इसे कवर कर दूँ, मुझे थोड़ा सा लगेगा कि मैं इसे थोड़ा सा कवर कर दूँ ताकि मुझे ऐसा भी लगे कि हाँ ये घर अच्छा लगना चाहिए। ये मुझे आप रोशनी देख रहे हैं, ये मैंने आप एक लैंटर्न यूज़ करी जहाँ पे वो स्विमिंग पूल के अंदर है, जो कि बहुत ही अच्छा रोशनी थी। अब मैं इस घर को यहाँ पे गार्डन से ढक रहा हूँ कि थोड़ा अच्छी लुक आती है यार। मैं इस बाद में ग्रास भी डालूंगा ताकि वो थोड़ा रियलिस्टिक लगे कि हाँ भाई यहाँ पे गार्डन तो घास होगी। अब मैं पानी का तो मैं शायद यहाँ पे कुछ कर नहीं पाया इसका, मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा यहाँ पे घास को पूरी तरह ढक देता हूँ यहाँ पे ताकि अच्छा सा लुक आए, खाली खाली सा लगे हाँ भाई ये तो जगह छोड़ दी तुमने यार क्या कर रहे हैं यार। अब मैं यहाँ पे ढक देता हूँ ग्रास से जाके यहाँ पे सीधा अच्छा पूरी साइड बाय साइड जो भी बाहर से था मैंने उसे घास से ढक दिया है। अब मैं यहाँ पे डालूंगा यहाँ पे थोड़ी सी लीव्स यहाँ पे ओक लीव्स जो भी होते हैं, ये थोड़ा लुक को और अच्छा होना चाहिए। स्नो में घर कितना अच्छा लग रहा है, मतलब मजा आ रहा है देखने में,
ये घर। और यहाँ पे थोड़ा डेकोरेशन हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है हमने लीव से, और घर में रोशनी वोशनी नहीं है क्या यार, मुझे पता नहीं है लाइट वाइट कैसे डालते हैं। मैंने ऐसे थोड़ा सा मैंने देखा है, थोड़ी सी हल्की सी क्रिएटिविटी है, थोड़ा सा वीडियोज देखे मैंने। घर देखो यार कितना अच्छा लग रहा है यार ये घर। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता, व्हाइट कार्पेट मैंने लगा दिया स्विमिंग पूल का, मैं यहाँ पे घास डाल रहा हूँ घरों पर फटाफट लग जाए। और ये बेहतरीन थोड़ा चिन्हा भी यार घास होने दिया, क्या पता जान लोगन खा लेगा, मुझे पता नहीं खाते खाते। ये व्हाइट कार्पेट देख रहे हो आप, ये जो फैल चुका पता नहीं है व्हाइट कार्पेट या स्नो का कुछ वो होता मुझे नहीं पता, लेकिन ये शायद से मेरी प्रेस की वजह से ऊपर ऊपर पता नहीं कहीं भी चला जाता है। मैंने हटा दिया था इसे, या फिर ये कुछ और चीज होगी। अब मैं ये चीज में देखता हूँ, इसमें ना यहाँ पे लिखा होता है यहाँ पे मतलब इससे मतलब मुझे ऐसा लगे इससे लाइट वाइट आती है, तो मैंने इसे हर जगह घर में लगा दिया ताकि मुझे ऐसा लगे कि यहाँ पे हाँ भाई रोशनी वोशनी आए। अब मैं यहाँ पे सीढ़ियाँ बना रहा हूँ ऑफकोर्स मैं नीचे जाने के लिए, ये शायद से मेरा एक स्टोर रूम होगा या फिर यहाँ पे मैं आगे जाके स्टोर रूम की जगह मैं कुछ और भी रख सकता हूँ। ये सीढ़ियाँ बनाने मुझे पता नहीं इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है, मुझे समझ नहीं आता, इतनी कन्फ्यूजिंग हो जाती है सीढ़ियाँ, मैं पता नहीं इधर उधर उधर होता ही रहता है, और बीच में पता हर जगह मैं छेद कर देखो ब्लॉक में वापस छेद हो गया। मैंने यार व्हाइट कॉन्क्रीट यूज़ करना था यार, मैंने पता नहीं स्नो क्यों यूज़ किया, पर गलती से ज़्यादा और सीढ़ियाँ मेरी बन चुकी है। फिर मैं देखता हूँ अभी मैं निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ यहाँ से, फिर मैं देखता हूँ यार ये एक छेद और करना ऊपर मुझे, तभी यहाँ पे फटाफट निकल पाऊंगा। सीढ़ियाँ थोड़ी मैं शायद से बाद में चौड़ी कर दूंगा, अब मुझे उस ऊपर कमरे जाने के लिए भी सीढ़ियाँ चाहिए। फटाफट यहाँ पे हम छेद कर लेते हैं यार, हो जा फटाफट छेद 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 चल जल्दी ले 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 ले। और ये हम बन चुके ऊपर शायद सेकंड फ्लोर की, हाँ शायद सेकंड या फर्स्ट फ्लोर के लिए सीढ़ियाँ बन चुकी है यहाँ पे। अब वो देख सकते हो वहाँ पे, वो दिख रहा है कि यहाँ पे हाँ हमारी सीढ़ियाँ है। और अब देखिए गाइस कैसा लग रहा है आपको हमारा घर, बढ़िया लग रहा है ना। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्ट्रूम लाइट यूज़ करी है ताकि मैं अपने घर को थोड़ा सा उजाला, जिसको मुझे नहीं पता लाइट कैसे डालनी है, डे में तो जरूरत है नहीं लेकिन जब रात होती है तब तक मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ। और ये वाटरफॉल ने मुझे सही में परेशान कर दिया यार, वो वाटरफॉल को मैं कैसे हटाऊँ, मैं हर जगह यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्ट्रूम लाइट लगाई ताकि थोड़ी सी रोशनी और घर हमारा थोड़ा सा सुंदर लगे, अच्छा लगे। और सही भैया बहुत मेहनत लगी है भाई, 6-7 घंटे लग गए मुझे इसे बनाने में, और कई बार तो मैंने इसे क्या बोलूँ यार, वो राइट साइड में जो वाटरफॉल है ना यार, वो पूरे घर का मतलब कबाड़ा कर दिया, मतलब वाटरफॉल घर के साथ क्या ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। और मुझे नहीं पता यार मैं इसे कैसे हटाऊँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी है, मेरे पास बकेट से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे सही में नहीं पता मैं क्या करूँ। ये चीज़ सही है मुझे बहुत परेशान कर रही है, ये वाटरफॉल मैं कैसे हटाऊँ गाइस, प्लीज़ मुझे बताना गाइस। अगर मेरा मेंशन पसंद आया तो एम करते हैं 50 लाइक्स के लिए, आप देख सकते हो 50 लाइक्स इस वीडियो पे, 50 लाइक्स आते हैं फिर अगली वीडियो पे मिलते हैं। और अगर आपको ऐसी माइनक्राफ्ट की वीडियोज़ और चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और जोन से भी आपको गेम्स के लिए वो भी बताते रहना कमेंट सेक्शन में, ज़रूर उन पर ट्राई करूँगा। ओके गाइस अब मैं चलता हूँ, मेरा घर तो आपने देख लिया, ये मेरी पहली वीडियो थी और थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपको मेरी दिख चुकी होगी, थोड़ी बहुत मदद लगी है यार, बेहतरीन घर है। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong.